नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक में उठी मांग। विधानसभा चुनाव में मांगा 50% आरक्षण। राज्यसभा में भी महिलाओं को भेजने की मांग उठी है। बीजेपी दफ्तर में महिला मोर्चा की बैठक हुई थी, जिसमें मांग उठाई गई है विधानसभा चुनाव में 50% आरक्षण देने की मांग उठाई है। बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक हुई थी, राज्यसभा में भी महिलाओं को भेजने की मांग की है। विधानसभा चुनाव में 50% आरक्षण मांगा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। नीरज, बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक हुई बीजेपी दफ्तर में, जिसमें एक बड़ी मांग उठाई गई है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 50% आरक्षण की मांग उठाई गई है। देखिए, आज जो है बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक रखी गई थी, जिसमें जो है आगामी चुनावों को लेकर और आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई जा रही थी। उसमें यह भी डिसाइड किया गया कि 14, 15 और 16 मई को भोपाल में राष्ट्रीय महिला मोर्चा का प्रशिक्षण। जी नीरज, आपको मेरी आवाज सुन पा रही है? जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है मेरी? जी नीरज, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, तो 14, 15, 16 मई को जो है भोपाल में राष्ट्रीय जो महिला मोर्चा का है उसका प्रशिक्षण शिविर जो है आयोजित किया जाएगा। साथ में एक पूरी बैठक में जो है प्रदेश अध्यक्ष जो माया नरोलिया है, उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि जिस तरह से इंदौर में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी में 50% आरक्षण की मांग उठी, तो उनसे पूछा गया कि आप इस मांग से सहमत है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा हाँ, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है तवज्जो मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आरक्षण जो है दिया जाना चाहिए। साथ में राज्यसभा के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो जिस तरह से इंदौर में जो है मांग उठी थी, अब कहीं ना कहीं आज राजधानी भोपाल में जो बैठक आयोजित की गई उसमें भी इस तरह की बातें जो है निकल कर सामने आई। जी बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।